नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 22 अक्टूबर 2018, समय 9:12:43 हो रहे हैं और आप लोगों का इंट्राडे ट्रेड में स्वागत है। दोस्तों निफ्टी जो प्री ओपन में 10,405 पे सेटल हुआ है, इसकी जो क्लोजिंग थी 10,300 थी पिछले बार 10,303 के आसपास, और आज जो ओपन हो रहा है 102 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, यानी 10,405 पे ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहने की संभावना है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। मेरे जो वॉच लिस्ट में स्टॉक हैं दोस्तों, मैंने दिया भी 3 स्टार में कोटक बैंक, पहले तो 3 स्टार में अडानी पोर्ट दिया है, उसके बाद जुबिलेंट फूड दिया है और कोटक बैंक दिया है, और बाकी जो 3 स्टॉक हैं वो मैंने टेलीग्राम पर दिया है, हेक्सावेयर, कोलगेट और बर्जर पेंट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कहाँ पर कौन सा स्टॉक्स ओपन होगा, क्या ट्रेड बनता है नहीं बनता है, उसके बाद हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। ज़रूरी नहीं है ट्रेड डेली ट्रेड करना, अगर सही लेवल पे मिलेगा तो ही हम लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे, नहीं तो हम लोग जरूर ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, ठीक है। समय आप देख लीजिए 9:13:50 हो रहे हैं, और जब मैं कोई ऑर्डर नया लूँगा, कोई ऑर्डर लूँगा मार्केट ओपन होने के बाद, तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में अभी पॉज कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए समय हो गया 9:15:43, तारीख 22 अक्टूबर, और मार्केट ओपन हो चुका है, अभी तक कोई पोजीशन मैंने लिया नहीं है। हम लोग वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं 5 मिनट, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक किस किस लेवल पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सही लेवल पे मिलेगा तो हम भी तभी हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे, मार्केट सिस्टम बंद करके चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं, तो सारे स्टॉक को पहले मैं देख लेता हूँ एक एक करके, क्या कौन सा स्टॉक किस लेवल पर है। अडानी पोर्ट 319 के ऊपर मैंने बाय दिया था, देखिए 3 स्टार में 320 चल रहा है। अभी मैं 5 मिनट के पहले कुछ नहीं करने वाला, थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, थोड़ा सा ये अपने आप को सेटल करेगा, नीचे आएगा, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा इसमें, ठीक है। यह अडानी पोर्ट 320-19 के ऊपर बाय दिया था, 320-40 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सावेयर को दिया है मैंने 373 के नीचे सेल पर और 385 के ऊपर बाय पर, अभी वो बीच में है। जुबिलेंट फूड को लेना है 1280 के ऊपर बाय जाना है, पर ये कैंडल ही रेड बन रही है, तो हम लोग अभी 5 मिनट तक तो कोई वेट ही 5 मिनट तक। देखिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, ट्रेड लेने के लिए बौला मत होइए, ट्रेड लेने के लिए ना उतावल मत होइए, 5 मिनट कम से कम वेट तो कीजिए, है ना। लोग यहाँ एंट्री ले लेता है, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के साथ एंट्री ले लेता है, बाद में स्टॉक ऊपर नीचे आड़ा तिरछा हो जाता है तो फिर वो कमेंट में देने लगता है सर ऐसल हिट हो गया। अरे भैया 5 मिनट को सेटल तो होने दीजिए, कुछ समय तो बिताने दीजिए, क्यों भागे जा रहे हैं स्टॉक के पीछे। समय 9:17 हो रहा है, आप देख लीजिए, हाँ क्यों आज जैसे लग रहा है अगर भाग जाएगा तो आपको फिर दोबारा वो स्टॉक नहीं मिलेगा, ये कि मार्केट ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, पता नहीं इस तरह से लोग करने लगते हैं। कम से कम वेट कीजिए, उसको सेटल होने दीजिए, कैंडल कैसा बना रहा है नहीं बना रहा है उसको देखिए तब ट्रेड कीजिए, है ना। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, 1 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन सही लेवल पे मिलेगा तभी तो लेंगे, पैसा है ना आपका, करेंट लाइव पैसा है। अभी मैंने इसको 373 पे सेल दिया, अब मुझे लग रहा है ये नीचे जाएगा, तो क्या मैं यहीं पर सेल कर दूँ हेक्सावेयर को, और पता चला यहीं से ये मूव कर गया बिना लेवल आने से पहले, तब तो चला गया। 5 मिनट कम से कम आप लोग वेट नहीं करते और बौला हो जाते हैं तुरंत, ये बिल्कुल गलत आदत है आप लोगों की भाई, एकदम ये सही चीज़ नहीं है। देखिए मैं बैठा हूँ बकबक कर रहा हूँ, क्या मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ट्रेड कर लूँ, स्टॉक भागा जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है। मिलेगा 15,000 स्टॉक है, ये नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा, मेरे पास लिस्ट में 6 स्टॉक हैं, कोई और लूँगा। तो चीज़ को जब तक देखिएगा नहीं समझिएगा नहीं, ट्रेड लेने के लिए सिर्फ परेशान हो रहे। देखिए अडानी पोर्ट 320.45 हो गया, 319 पे मैंने बाइंग दिया था, तो क्या है 1 रुपया ऊपर चढ़ गया। अभी हम लोग वेट करेंगे, अभी तो 9:18 ही हुआ है, तीन ही मिनट हुआ है मार्केट ओपन, लेकिन यह है ना हम लोग में पेशेंस नहीं है, हम लोग बिल्कुल उसको कहते हैं ना, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो एकदम बेशरम आदमी है हम लोग। कितना समझाता है मार्केट, मार मार के समझाता है, लॉस करा करा के समझाता है, फिर भी आदमी नहीं समझता है।
कि कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी 321.50 हो गया, तो इसका क्या करें, हम घुस जाएं, भागती ट्रेन में चढ़ जाएं, पैर हाथ कटवा लें अपना, वेट करने देंगे आराम से, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। आराम से अब देखिए मार्केट कहाँ कर रहा है, 5 मिनट कम से कम मार्केट का सारा BTST वाला निकल जाए, STBT वाला निकल जाए, बड़ा बड़ा आदमी सब घुसा है निकल जाए, वो सब खेल खत्म करे अपना, तब फिर हम लोग देखते हैं। जो प्री ओपन में 100 पॉइंट गैप अप हुआ था, देखिए अब हालत हो गया 50 पॉइंट, ठीक है। तो पहले मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार, 22 अक्टूबर 2018 के इंटरडे लाइव ट्रेड में आप लोगों का स्वागत है। और मैं गुस्सा के बोलता हूँ तो दोस्तों मेरे साथ ये दिक्कत है कि मार्केट आपको रोज मार मार के समझाता है, लॉस करा करा के समझाता है, लेकिन लोग नहीं समझता है। लोग जो है ना भागते हुए ट्रेन में चढ़ना चाहता है। देखिए अभी अडानी पोर्ट में ले लेता तो चला जाता अभी नीचे में तुरंत, अभी 319 आ गया था। तो ये हिसाब नहीं, अब देखिए जब मिल जाएगा, देखिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी 319 हो रहा है, मैं बिल्कुल 5 मिनट तक रुका रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 5 मिनट ख़त्म नहीं होगा उसके बाद अगर कुछ मिलेगा, 2.5 का स्टॉप लॉस लगाया, अब 5 का प्रॉफिट लगाया, और अभी मैं वेट करूँगा, इसका ब्रैकेट ऑर्डर में ले रहा हूँ, ठीक है। देखता हूँ अभी, देखिए अभी मैं नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, अभी जब तक मुझे सिंबल नहीं मिलेगा तब तक बिल्कुल नहीं लो। 5 मिनट खत्म हुआ है, जब तक वो सही से जगह पे मिल नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं लूँगा। हाँ कुछ लग रहा है सही, अब मैं बाय करूँगा। चलिए मैंने बाय कर लिया, 1 रुपया महंगा मिलेगा और क्या होगा दोस्तों, 1 रुपया महंगा मिल, देखिए भाग गया, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, 1 रुपया महंगा मिलेगा और क्या मिलेगा, लेकिन सही चीज़ लेंगे ना, सही जगह पे लेंगे। वो उसे भागते हुए ट्रेन में चढ़ेंगे तो हाथ पैर कट जाएगा, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन को रुकने दीजिए, थोड़ा हॉल्ट पे आने दीजिए, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे ट्रेन पर। चलिए अब हम लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। देखिए पहला टारगेट जैसा मैंने दिया है 322 रुपये, तो हम लोग 322 के लिए वेट करेंगे। हैं पहला टारगेट आ जाए बस लेके हम, मैं प्रॉफिट लेके भाग जाऊँगा। ये बराबर, देखिए मैं 322 पर स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देता हूँ, ओके 322 पर। कुछ लोग कहते हैं सर आपका इतना अच्छा स्ट्रेटजी है सर, आप क्यों नहीं बड़े क्वांटिटीज से 1000 1500 क्वांटिटीज करते हैं। भैया जो भी आप लोग कमेंट किए हैं, भैया सुन लीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, है ना, तो मैं अपना छोटा छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। भैया आप लोग जरूर करें बड़े बड़े क्वांटिटी से, आपका पैसा है आप समझिए, आपके लिए अगर वैल्यूबल है तो ठीक है, मेरे लिए मेरा पैसा बहुत वैल्यूबल है। चलिए हम लोग वेट करेंगे 322 के टारगेट के लिए। समय 9:21.25, तारीख 22 अक्टूबर, ऑल पोजीशन देख लीजिए आप लोग, 52 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार। चलिए हम लोग वेट करते हैं 322 के टारगेट के लिए, देखिए 322 आता है या नहीं आता है। तो भागते हुए ट्रेन, अभी जो पहली 5 मिनट में कैंडल भाग रहा था अडानी पोर्ट, मैं ले लेता तो अभी तो मेरा नीचे आ जाता प्राइस, हो जाता ना। तो इस तरह से चीज़ नहीं होता है, चीज़ को समझिए सीखिए, है ना, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, मार्केट कल भी खुलेगा, है ना, मार्केट डेली खुलता है 5 दिन कंटिन्यू, आज नहीं मिला कल मिलेगा। आप लोग तो ऐसा करते हैं जैसे मार्केट आज नहीं मिला स्टॉक तो कल नहीं मिलेगा, भाग जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा या आपका कुछ लूट जाएगा। अरे पैसा बचा रहेगा तो हम लोग कल ट्रेड कर लेंगे। ये मेरा फायर वन का ट्रेडिंग टर्मिनल है, अडानी पोर्ट का चार्ट जरा यहाँ एनालाइज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, एकदम बहुत शानदार है, आराम से 322 तक जाएगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। सही तरह से चार्ट एनालाइज कीजिए, रीड कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को सेटल होने का, अपने आप को टाइम दीजिए, एकदम सुबह उठे नहीं, मुँह कान धोए नहीं कि बैठ गए सिस्टम खोल के, आज तो मैं बन ही जाऊँगा करोड़पति, है ना, आज तो मैं एकदम लखपति बन ही जाऊंगा, ये मारा मैंने ट्रेड हो गया लॉस, तो बस कमेंट आता है सर SL हिट हो गया। अरे भैया उसको कम से कम स्थिर तो होने दो, ट्रेन को हॉल्ट पे रुकने तो दो, तब ना चढ़ना, चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हो भैया तो पैर हाथ तो कटेगा, एक्सीडेंट तो होगा। समय 9:23 हो रहा है 23 सेकेंड, तारीख 22 अक्टूबर 2018। आप लोगों को मैं बार बार समय दिखा रहा हूँ, बाद में ये नहीं कमेंट कीजिएगा कि पिछला दिन का रिकॉर्डिंग है। मैं सब कुछ दिखाते हुए ट्रेड करता हूँ भाई साहब, है ना, सीखिए समझिए ट्रेड कीजिए, कहीं से सीखिए, किसी से सीखिए, कुछ भी सीखिए, पर उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं 322 के टारगेट के लिए। समय 9:26.08, तारीख 22 अक्टूबर 2018। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, 22 अक्टूबर 2018 के इंटरडे लाइव ट्रेड में आप लोगों का स्वागत है। देखिए प्रॉफिट कभी 52 रुपये हो जाता है, कभी 10 रुपये माइनस हो जाता है, पर हम लोग को, मुझे पता है ये 322 तक जाना है, इसको 322 ये जाएगा, पहला टारगेट मेरा अचीव करके ये हमको देगा, हमको ऐसा पूरा विश्वास है मेरे चार्ट रीडिंग पर। चलिए मैं, हम लोग वेट करते हैं इसके लिए।
दोस्तों अभी देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, 82 रुपये का प्रॉफिट, 52 का प्रॉफिट। चलिए चलिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ अभी। ठीक है, हाँ दोस्तों अब 105 का प्रॉफिट, 112 का प्रॉफिट हो गया है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग में रवि कुमार, 22 अक्टूबर 2018 के इंट्राडे लाइव ट्रेड में आप लोगों का स्वागत है। आप देखिए 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मुझे 322 तक इसको जाना है। ये जाएगा, पक्का जाएगा, 322 तक जाएगा जाएगा। चलिए हम लोग वेट करते हैं। और ये मेरा देखिए आ गया, 200 का प्रॉफिट हो गया, चला गया, 321.65 हो गया, 322 पे मैं बोला हूँ, देखिए 255 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट हो गया, टारगेट अचीव, डन। ये हो गया छक्का, शानदार सिक्सर, शानदार सिक्सर, ये हो गया मेरा टारगेट डन। ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने, सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर बिलीव कीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा तो ज़रूर प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो ये था 10 मिनट का चार्ट, मैं जल्दी जल्दी टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। पहला टारगेट डन हो गया अडानी पोर्ट का, तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, बुक फुल प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट इन अडानी पोर्ट, फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग दोस्तों बंद कर देते हैं ट्रेड, मेरा टारगेट इस पे डन हो गया, इस टर्मिनल पे बात खत्म हो गई है। चलिए अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप तारीख देख लीजिए, 9:28 समय हो रहा है, तारीख 22 अक्टूबर। चलिए हम लोग लाइव ट्रेड अब बंद करते हैं। ये अडानी पोर्ट ऐसे देखिए, अगर देखेंगे 100 DMA पे भी 30 मिनट के चार्ट पे आ रहा है। ठीक है, 30 मिनट के चार्ट पे भी अडानी पोर्ट आ रहा है। मैं देखूंगा अगर एक आध ऑर्डर इसके बाय हाई के ऊपर बाय लगा दूंगा, लो के नीचे सेल लगा दूंगा, अगर ऐसा लिया तो, जरूरी नहीं मैं ट्रेड करूँ। ठीक है, हालांकि ये 100 DMA वाली स्ट्रेटेजी पे ये फिट बैठ रहा है, मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं इस पर ट्रेड करता हूँ तो आप लोगों को फिर अपडेट कर दूंगा। चलिए मैं अब बंद करता हूँ अपना लाइव ट्रेड का। तो आप देख रहे हैं YouTube चैनल आरके ट्रेडिंग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये ऑल पोजीशन आप लोग मेरा देख लीजिए, और हम अब लाइव ट्रेड बंद कर रहे हैं।